and you're watching Expose India. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम फिर रच रहा है साजिश। 24 साल बाद फिर से मुंबई को दहलाने की रच रहा है साजिश। इंटरसेप्ट हुई दाऊद के भाई और उसके गुर्गों के बीच बातचीत। 24 साल बाद फिर से देश को दहलाने की साजिश रच रहा है दाऊद। मुंबई पुलिस ने पाकिस्तान में रह रहे दाऊद इब्राहिम के भाई और भारत में उसके गुर्गों के बीच की बातचीत को इंटरसेप्ट किया है। आतंकी फसल उगा रहे पाकिस्तान में मुंबई का डॉन पाला पोसा जा रहा है। खून की होली खेलने के लिए उसे नई तकनीक की आग उगलने वाली पिचकारियों का तोहफा देता है पाक। 24 साल के बाद फिर सक्रिय हो रहा है दाऊद और भारत में बम धमाकों की साजिश रच रहा है दाऊद। जिस प्लान के अंतर्गत धमाकों को अंजाम देने जा रहा था उसका नाम है ब्लैक फ्राइडे प्लॉट। 1993 मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड फिर से अपनी काली करतूतों को अंजाम देने की फिराक में है। भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के इन इरादों से साफ जाहिर होता है कि भारत के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली जगहों पर उसके अपने लोग मौजूद हैं। ऐसे में दाऊद के इन करीबियों को पकड़ने के लिए पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के सामने कई तरह की चुनौतियाँ खड़ी हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी कंपनी के कुछ लोग अब भी भारत में बैठकर उसके मंसूबों को अमली जामा पहनाने की साजिश में लगे हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस द्वारा दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में मौजूद भाई और भारत में उसके लोगों के बीच हाल के समय में की गई बातचीत को इंटरसेप्ट करने को एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश माना जा रहा है। बताया जा रहा है इस बातचीत में मुंबई पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद और उसके गुर्गे मुंबई हमले जैसी किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे हैं। अब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां उन लोगों की तलाश कर रही हैं जो भारत में रहकर दाऊद के नापाक मंसूबे को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कास्कर को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इकबाल को जबरन उगाही और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे मुंबई में मौजूद उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। इकबाल के अलावा चार और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इकबाल कास्कर ने एक बिल्डर को फोन पर धमकी देकर उससे उगाही की कोशिश की थी। बिल्डर से पहले ही चार फ्लैट ले चुका इकबाल उससे और रुपयों की मांग कर रहा था। इकबाल कास्कर को 13 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं कास्कर के दो अन्य साथियों को भी इसी अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अदालत ने इस मामले में चौथे आरोपी पंकज गांगर की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी। दाऊद की इस साजिश का खुलासा तो हो गया लेकिन अब सरकार और एजेंसियों के सामने इससे निपटने की चुनौतियां भी शामिल हैं। देखना होगा दाऊद को उसके मंसूबों में कामयाब होने से एजेंसियां कैसे रोक पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.